उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर को लेकर सीएम योगी ने चेतावनी जारी की है और कहा है दोबारा धर्मस्थल से लाउड स्पीकर की आवाज आई तो थाना अध्यक्ष और अन्य अधिकारियों से जवाब लेंगे। दरअसल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 18 मई को कई मुद्दों पर समीक्षा की। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थल से हटाए गए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल स्कूलों में किया जा सकता है। आपको बता दें सीएम योगी ने कहा कि धर्मस्थल से लाउड स्पीकर की आवाज उसके दायरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। जो लाउड स्पीकर उतारे गए हैं अगर उन्हें स्कूलों में प्रार्थना सभा में इस्तेमाल किया जाए तो अच्छा काम होगा, स्कूलों में इसका बेहतर इस्तेमाल हो सकता है। काफी बड़े पैमाने पर जो माइक उतरे हैं धर्मस्थलों से उसकी सर्वत्र सराहना हुई है। हम सुनिश्चित करें कि जो माइक उतर चुके हैं ये दोबारा नहीं लगने चाहिए और प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक गण इस बात को सुनिश्चित करें कि वे प्रत्येक थाने को इस बात के लिए जवाबदेही बना लें कि किसी भी धर्मस्थल से माइक की आवाज़ उसकी परमिशेस के बाहर नहीं जानी चाहिए, ये हम सुनिश्चित करें। दूसरा, हम अपील जारी कर सकते हैं कि जो ये माइक उतरे हैं अगर इसको हम विद्यालयों में मॉर्निंग असेंबली के लिए उपलब्ध करवा सकें अच्छा काम होगा, स्कूल में इसका बेहतर उपयोग हो सकता है, या उन्हें लेकर के पब्लिक एड्रेस सिस्टम के रूप में जागरूकता के लिए भी अगर उसका उपयोग करना चाहेंगे तो उसके बारे में भी तय कर लें। बता दें सीएम योगी ने आगे कहा काफी बड़े पैमाने पर जो धर्म स्थल से लाउड स्पीकर उतारे गए हैं उसकी सराहना हुई है। हम सुनिश्चित करेंगे कि धर्म स्थल से जो लाउड स्पीकर उतर चुके हैं वो दोबारा नहीं लगने चाहिए। हर जिले में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक इस बात को सुनिश्चित करें। वहीं इस दौरान सीएम योगी ने कड़े शब्द का इस्तेमाल किया और बोले अगर दोबारा धर्मस्थल से लाउड स्पीकर की आवाज़ आई तो थाना अध्यक्ष और अन्य अधिकारियों से जवाब लेंगे। उन्होंने कहा इस बार प्रदेश में सड़कों पर अलविदा की नमाज नहीं हुई, हम सुनिश्चित करेंगे कि बंद सड़कें आने वाले समय में भी अव्यवस्थित का कारण ना बने, सड़कें खुली होनी चाहिए, सामान्य लोगों के आवागमन के लिए पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। जानकारी के लिए बता दें सीएम योगी ने कहा कि धार्मिक आयोजन धार्मिक स्थल के परिसर के भीतर ही सीमित होने चाहिए, किसी भी पर्व त्योहारों का आयोजन सड़क पर नहीं होना चाहिए और इन आयोजनों से सामान्य नागरिकों के आवागमन में कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही, बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।